नमस्कार दोस्तों, द सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जानेंगे हम लोग एसकॉप सिग्नल एंड सप्लाई क्या क्या है। एसकॉप मतलब सोस्कॉप का सिग्नल और सोस्कॉप में कौन सी सप्लाई इन होता है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त भाई लोग हैं जो न्यू अभी ये लाइन में आया है, तो इन लोग को पता नहीं चलता है सोस्कोप में कौन सी वोल्टेज इन होता है और कौन सी लाइन जो सिग्नल होता है जो सप्लाई वोल्टेज में कोप में इन होता है। तो उसका बारे में दोस्तों हम लोग आज पूरा डिटेल्स जानेंगे, सोस्कोप में आखिर में कौन सी वोल्टेज और कौन सी सप्लाई इन होता है और गेट लाइन का वोल्टेज कैसे आउट होता है और फिर एक किस तरह से ये वोल्टेज क्लास एरिया में जाता है, इसका बारे में जानेंगे। दोस्तों चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना। दोस्तों हमेशा आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बढ़िया से कमेंट करिए, लाइक करिए, तब ना मैं वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं, इसलिए तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं है। तो आप लोग कोशिश करिए कमेंट करने का, कमेंट जितना ज़्यादा होगा मैं वीडियो इतना ज़्यादा बनाऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ये आशा करता हूँ ये देख के आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैं कुछ डायग्राम पहले से बना के रखा हो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये देखिए ये सोस्कोप है, उसको एसकोप भी बोला जाता है। एसकोप का फुल मीनिंग है सोस्कोप, तो सोस्कोप भी बोला जाता है, एसकोप भी बोला जाता है, ये आपका जो मर्जी बोल सकते हो। और उसका अंदर में देखिए ये जो ब्लैक कलर करके ये आईसी है, कोप आईसी है, तो उसका अंदर में कौन सी वोल्टेज जाता है उसका बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो न्यू टेक्नीशियन भाई है इन लोग को अच्छा से समझ में आएगा ये कोप में कौन सी वोल्टेज जाता है। हम लोग हमेशा ढूंढते हैं गेट लाइन का वोल्टेज, गेट लाइन का कुछ प्रॉब्लम होने से सीकेबी लाइन काटते हैं, सीकेबी लाइन कोप काटा जाता है और कोप कौन सा वोल्टेज चेक किया जाता है और ये कोप में कौन सी वोल्टेज इन होता है उसका बारे में अच्छा से नहीं जानेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आता है। तो वो आप लोग का साथ ना आए प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप लोग को मैं थोड़ा बताऊंगा कोप का बारे में कौन सी वोल्टेज इन होता है। तो देखिए आप लोग वीडियो को स्पीक मत करिए तो आप लोग अच्छा से समझेंगे। तो देखिए मैं इधर में थोड़ा लिख के दिया हूँ, ये जो है ये स्काइलर बोर्ड है, ये इतना तक स्काइलर बोर्ड है और ये जो इतना से बनाया ये हो गया ये सोस्कोप है। तो ये सोस्कोप है, ये स्काइलर बोर्ड है, ये सोस्कोप है और ये जो आप लोग देख रहे हो ये डिस्प्ले, मतलब ये ग्लास एरिया का जो पैनल है वो पैनल है। तो आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए, देखने के बाद में आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए पहले तो मदरबोर्ड से हम लोग को स्काइलर बोर्ड में सिग्नल आएगा, मदरबोर्ड से पैनल बीसीसी आएगा और मदरबोर्ड से माइक्रो प्रोसेसर होते हुए ये टिकोन आईसी में सप्लाई होगा, उसके बाद टिकोन आईसी से आउट होगा एक वोल्टेज, वो क्या वोल्टेज होता है, RSDS सिग्नल, RSDS सिग्नल। तो ये RSDS सिग्नल जिसे आप मान लो 0-0+, 1-1+, 2-2+, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, 3-3+, तो इस तरह ये सिग्नल आएगा। ये आएगा कहाँ से, ये टिकोन प्रोसेसर आईसी से आएगा। ये कहाँ आएगा,
ये आएगा आपका वही जी आईसी, ये देखिए इधर में आईसी लगा हुआ है कॉप आईसी, ये कॉप आईसी में इन होगा। ये आरएफ सिग्नल का जितना वोल्टेज है, ये सिग्नल का साथ वोल्टेज भी है, वोल्टेज का साथ सिग्नल भी है। वो सिग्नल पकड़ में डीएसओ मीटर चाहिए, डीएसओ मीटर होगा तो सिग्नल पकड़ सकते हैं और इसे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। लेकिन तो वही आईसी में ये आरएसडीएस सिग्नल उसमें इन होता है, उसका बाद देखिए ये इधर से आउट करता है, करने का बाद में ये ग्लास एरिया में आता है, डिस्प्ले में आता है। उसका बाद देखिए ये और कौन सी वोल्टेज आता है, देखिए जो गेट लाइन में काम करने के लिए, देखिए एक नंबर में आता है टीपी, दो नंबर एसटीएच, तीन नंबर में पोल। तो ये जो लाइन दिया गेट लाइन, इधर में लिख के दिया गेट लाइन और इधर में भी गेट लाइन लिख के दिया। उसका बाद देखिए आप लोग बात को अच्छा से समझिए, ये जो लाइन है ये गेट लाइन का लाइन बनाया, ये गेट लाइन का लाइन बनाया, लेकिन ये जो टिकोन प्रोसेसर से आएगा सिर्फ इतना तक आएगा, आगे ये आईसी में इन होगा और ये आईसी से आउट होकर बस इधर में ये डिस्प्ले में आएगा। तो अभी देखिए ये लाइन तो क्या क्या वोल्टेज होता है, इधर में एक आ गया जीएनडी, उसका बाद बीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट, उसका बाद आएगा एबीडी सप्लाई, उसका बाद आएगा एचबीडी सप्लाई, उसके बाद आएगा बीकॉम सप्लाई जो गेट लाइन का लिए काम करता है। अभी देखिए ये आईसी में फिर एक वोल्टेज इन होगा जो इधर में लिख के दिया गामा आईसी, गामा वोल्टेज, गामा जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइव, जी सिक्स, जी सेवन, जी एट, जी नाइन, जी टेन, जी एलेवन, जी ट्वेल्व, ये गामा का सिग्नल वही आईसी में आएगा। ये देखिए ये आईसी में आएगा, ये जो कॉप आईसी है कॉप आईसी में इन होगा। टिकोन प्रोसेसर का जितना वोल्टेज है, जो सिग्नल आरएसडीएस सिग्नल जो है वो भी ये कॉप आईसी में इन होगा। अभी रह गया देखिए ये कॉप आईसी में टिकोन का सिग्नल इन हो रहा है, उसका बाद गामा सिग्नल जितना है सब उसमें इन हो रहा है, ये कॉप आईसी में इन हो रहा है। उसका बाद देखिए साइट में, अभी साइट में देखिए ये जो साइट है ये साइट ये कॉप में चला जाएगा और ये साइट से ये साइट होते हुए ये इधर में ये गेट लाइन का टेस्ट पॉइंट होता है इधर में, तो ये लाइन से भी गेट लाइन का टेस्ट पॉइंट होता है इधर में, ऐसा इस प्रकार का टेस्ट पॉइंट होगा 5-6 तक टेस्ट पॉइंट होगा ऐसा, जो सीओजी पैनल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह ये गेट लाइन इस एरिया में ग्लास एरिया में साइड किनारे से होते हुए ये साइड में आएगा। तो गेट लाइन का वोल्टेज क्या है, अभी तो देखिए ये सोर्स स्कोप में गामा का सिग्नल इन हुआ, गामा का कौन सा सिग्नल इन हुआ, 1 से लेके 12 तक इन हुआ। उसका बाद देखिए आरएसडीएस सिग्नल इन हुआ, जो टिकोन प्रोसेसर से ये सिग्नल आता है और बाकी जो सिग्नल है गेट लाइन के लिए, देखिए जीएनडी है, बीडीडी सप्लाई है, एबीडी सप्लाई है, एचबीडी सप्लाई है, बीकॉम सप्लाई है, ये गेट लाइन के लिए वोल्टेज बनाता है। और फिर इधर में देखिए टीपीए, एसटीएच, पोल, ये तीन वोल्टेज भी इधर गेट लाइन के लिए बनता है। अभी देखिए ये गेट लाइन में वोल्टेज बनाने के लिए अभी स्कैन ड्राइवर जो होता है, स्कैन ड्राइवर आईसी, ये स्काइलर बोर्ड से स्कैन ड्राइवर आईसी, ये गेट लाइन का वोल्टेज जितना होगा ये साइड में डायरेक्ट आएगा, ये साइड में इन नहीं होगा, ये साइड में नहीं, ये आईसी में इन कभी भी नहीं होगा, गेट लाइन का वोल्टेज कभी भी ये लाइन में इन नहीं होगा, ये डायरेक्ट ये साइड से जाएगा, ये साइड से जाएगा। तो गेट लाइन का वोल्टेज देखिए एस टी बी पी सी के बी वन, सी के बी
P1 CKB 2 CKB B2 OOE, ये सारी वोल्टेज जो गेट लाइन के लिए काम करेगा। कोई कोई में आप लोग देखेगा ये CKB नहीं होगा, तो CKB क्यों नहीं होता है? CKB बनता कहाँ से? BGS से CKB बनता है। BGS लाइन इन नहीं होगा, स्कैन ड्राइवर IC में BGS DC to DC IC से जब तक इन नहीं होगा तब तक ये CKB लाइन नहीं बनाएगा। लेकिन दूसरा सेट में आप लोग देखिए, उसमें CKB लाइन नहीं होगा, BGH होगा, BGL होगा, BGH गेट लाइन में फास्ट किया है, तो उस टाइम ये BGH को आप लोग गेट लाइन का वोल्टेज मान के चलना होगा। तो दोस्तों इस तरह ये सोस्कोप पैनल में वर्क करता है। और सोस्कोप का देखिए बहुत सारे वीडियो है, 4-5 वीडियो और मैं बनाऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो है मैं थोड़ा शॉर्टकट में बनाया। मैं बीमार भी हूँ और मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जितना वोल्टेज है ये लाइन को छोड़ के, ये गेट लाइन को छोड़ के ये जितना वोल्टेज है ये सोस्कोप में इन होता है। ये आप लोग याद रखना, ये जो वोल्टेज है TP STH पोल, ये वोल्टेज ये लाइन में इन होता है सोस्कोप में, और ये वोल्टेज भी सोस्कोप में इन होता है, ये गामा वोल्टेज भी सोस्कोप में इन होता है, और ये जो गेट लाइन का वोल्टेज है इधर में भी गेट लाइन लिख के दिया, लेकिन ये गेट लाइन में सेम वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इधर में भी होगा। कोई कोई सेट में दोनों साइड से जाता है वोल्टेज, दोनों साइड से गेट लाइन वोल्टेज आता है, इस तरह आएगा वोल्टेज और ये किनार तरफ ये जगह तक आएगा टेस्ट पॉइंट। तो कोई कोई पैनल में दोनों साइड से आता है, कोई कोई पैनल में एक साइड से आता है, जो नॉन GIP पैनल है वो एक साइड से आता है गेट लाइन, और GIP पैनल जो है वो दोनों साइड से आता है। तो ये मैं एक GIP पैनल का सोस्कोप का बारे में बताया आपको, और आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। और अगर बाय चांस अगर आप लोग को समझ में प्रॉब्लम आया तो कमेंट करना दोस्तों, मैं उसका बारे में और बढ़िया बढ़िया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करना, कमेंट नहीं करेंगे तो हमको वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं लगता है। तो बहुत कुछ जानने का है, सीखने का है, तो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, तब जाकर आप लोग को बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया सब कुछ, और वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।